मामा टीवी। जादुई पहिया, सुनहरा वाहन। बहरमपुर नाम के गांव में संजय करके एक कुम्हार था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। उसका बीवी और बेटा भी उसके बहुत मदद करते थे। गांव के सभी लोग संजय के पास ही आकर मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। कुछ दिन ऐसा गुजरने के बाद हिम्मत सिंह करके एक व्यापारी उसके पास आया और ऐसा बोला, देखो संजय, मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक मिट्टी के बर्तन का फैक्ट्री लगा रहा हूँ, इसीलिए तुम अपना व्यापार बंद करके कुछ और काम कर लेना, नहीं तो भूखे मर जाओगे। हा 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 हा। तभी संजय के पत्नी ने, ये क्या है जी, ये कारोबार लगा रहा है तो हमें क्यों धमकी दे रहा है, अब हम क्या करें? उसकी बात सही है भगवान, अगर वो फैक्ट्री लगा रहा है तो बर्तन भी बहुत अच्छे होंगे, सभी उसके पास जाकर ही खरीदेंगे, हमको कुछ और काम करना होगा। एक काम करेंगे, हम मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाएंगे और वैसे भी आजकल उसका बहुत डिमांड है। ऐसा सोचकर संजय ने तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका सेल्स बढ़ जाता है। सारे बच्चे संजय के पास के खिलौने खरीदने लगे। ये बात जब हिम्मत सिंह को पता चल जाता है, वो एक योजना बनाता है। एक रात को हिम्मत सिंह और कुछ गुंडे आकर संजय का पहिया और सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ देते हैं। अगले दिन जब संजय ये सब देखता है, तभी वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। अचानक उस टूटी हुई पहिये में से एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। बेटा संजय, मैं तुम्हारी दुख समझ सकता हूँ। मैं तुमको सोने के खिलौने बनाने वाला एक अद्भुत पहिया देता हूँ। उसके ऊपर तुम मिट्टी रखना, बस वह एक सुंदर सोने के खिलौने बन जाएगा। तभी उसकी बीवी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तभी स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। तुरंत उसकी बीवी ने मिट्टी के ढेले को उस मैजिक व्हील पे रखा और देखते ही देखते उस मिट्टी का ढेला एक सोने की बस के खिलौने में बदल गया। ऐसा ही जब भी संजय मिट्टी के ढेले को रखा, वह जादुई पहिए ने तरह तरह के सोने के खिलौना देती थी और फिर से संजय का व्यापार चल पड़ता है। वह अपने घर के सामने ही एक दुकान भी खोल देता है। ये बात हिम्मत सिंह को पता चल जाता है। अरे ये संजय मेरी बात ऐसा नहीं सुनेगा, आज ही जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर फिर से कुछ गुंडों को लेकर संजय के घर पहुँच जाता है और वह जैसे ही उस खिलौनों को तोड़ने लगता है, उनमें अचानक जान आ जाती है और विशाल खिलौने बन जाते हैं। तभी सारे मिलके संजय के पीछे पड़ते हैं। ऐसा संजय और उसके आदमी उस जादुई पहिए के ऊपर गिर जाते हैं। तभी उस पहिए ने सबको जोर से घुमा घुमा कर एक ही बार सबको बहुत दूर ऊपर फेंक देती है। जब ये सब आवाज सुनकर संजय बाहर आकर देखा, तो वहां पर खिलौने फिर से छोटे हो गए और सब कुछ शांत था। ऐसा उस जादुई पहिए ने हिम्मत सिंह को सबक सिखाई और संजय आराम से व्यापार करने लगा। राव बहादुर राम सिंह का एक ही पोता था करण सिंह। राम सिंह को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं। उसका एक बड़ा सा पुराना हवेली था। राम सिंह मरते वक्त उसका सारा जायदाद अपना पोता करण सिंह के नाम पे कर देता है। ये जानकर करण सिंह जब देखो आवारा घूमता था, कुछ काम नहीं करता था। उसके पापा चरण सिंह करण सिंह के माँ से ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान, सारा जायदाद करण के नाम पे है, नहीं तो मैं कब का इसका गला दबा देता। मेरा एक भी सुनता नहीं है, नालायक बेटा, कैसा पैदा हो गया है तू बुद्धू कहीं का। आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, देखना एक ना एक दिन वह कुछ कमाल करके दिखाएगा। एक दिन नींद से उठते ही करण सिंह ने अपने माँ से ऐसा बोला, माँ, अरे ओ माँ, इधर आओ, हमारे दादाजी राव बहादुर राम सिंह जी ने मेरे सपने में आए और मालूम है क्या बोले?
क्या बोले बेटा, कभी कोई गुप्त निधि के बारे में तो नहीं बोले? अरे नहीं माँ, दादाजी ने बोला आज मटन कीमा पुलाव और बोटी करी खाना। जल्दी पैसा दो माँ, मैं जाकर फ्रेश मटन कीमा और बोटी लाऊंगा। ये सुनकर चरण सिंह ने, हाँ हाँ दे दो, कुछ काम तो करता नहीं है, बैठकर कीमा पुलाव खाएगा, शर्म नहीं है? तुम्हें डांट कर क्या फायदा, बुद्धि तो मेरे बाप को होनी चाहिए जो ये हवेली तुम्हारे नाम पे कर दी। बेटा करण, क्या हम ये बेच दें? आजकल रियल एस्टेट बहुत बढ़ गया है, ये हवेली करोड़ों में बिकेगी। नहीं पापा, मेरे होते हुए ये नहीं होने दूंगा, यही एक आखिरी निशानी है हमारे दादाजी की। ऐसा बोलकर करण चला जाता है। कुछ दिन के बाद फिर से करण नींद में एक सपना देखता है। नींद में उसके दादाजी खड़े थे और बोल रहे थे, मुन्ना करण, तुम एक 10 पहिए वाला जीप को लेकर हमारे हवेली की दरवाज को जोर से जाकर धक्का मार दो और तोड़ दो। क्या दादाजी, ऐसा करूंगा तो टूट जाएगा ना दरवाजा? अरे मुन्ना, ऐसा ही करना, 10 पहिए वाला जीप को ले जाकर जोर से दरवाजे को मारना। उसके बाद करण नींद से उठ जाता है। अरे ये दादाजी पागल तो नहीं हुए, जीप से हवेली की दरवाजे को मारने के लिए बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ करके ये काम करना ही है। माँ माँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे 10 लाख, पागल तो नहीं हुआ? अरे नहीं माँ, दादाजी ने कुछ काम करने के लिए बोले हैं। देना नहीं है तो बोलो, फिर नहीं पूछूंगा। अरे नालायक, ये लो मेरा सोने का हार, इसे बेचकर पैसा लो, और हाँ अपने पापा को नहीं बोलना। ऐसा करण सोने का हार बेचकर उन पैसों से एक नया 10 पहिए वाला जीप खरीदकर हवेली के बाहर लाकर रखता है। माँ पापा, आप बाहर आओ, मुझे हवेली की दरवाजे को तोड़ देना है। अरे क्या बेटा, क्या बोला तू? बेवकूफ बुद्धू, हवेली को तोड़ेगा? पागल हो गया क्या? ऐसा उसके माँ बाप चिल्लाते रहते हैं। लेकिन करण तेजी से आकर उस 10 पहिए वाला जीप से हवेली के दरवाजे को तोड़ देता है, और अचानक ऊपर से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा, ढेर सारे जवाहरात सब गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर करण सिंह, चरण सिंह और उसकी माँ खुशी से पागल हो जाते हैं। तभी चरण सिंह ने बोला, आखिर अब जाके सही काम करवाया तुम्हारे दादाजी ने सपनों में आकर। जादुई गोल्डन बकरी का घर। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। उसके पास 5 बकरियां थी जिसको वह हर रोज चराने के लिए लेके जाता था। एक दिन जब वह बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल गया, बकरियों को छोड़ के थोड़े देर के लिए सो जाता है। तभी अचानक एक जादुई सोने की बकरी प्रकट हो जाती है और गोपाल के बकरियों में मिल जाता है। तुरंत वह साधारण बकरी बन जाता है। जब गोपाल उठता है, ये क्या है, मेरे पास बकरियां तो 5 ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो 6 बकरियां हैं। नींद में कुछ दारू तो नहीं पी ली मैंने? अचानक बकरियों की झुंड में से एक बकरी सोने की बकरी में बदल जाती है और एक आवाज आता है, गोपाल मैं एक मायावी बकरी हूँ, मैं गोल्डन गोटलैंड से यहाँ पर आई हूँ, मैं वहाँ की राजा हूँ, लेकिन एक दुष्ट राक्षस बकरी ने आकर मेरा सिंहासन मुझसे छीन लिया है। अभी वह दुष्ट राक्षस बकरी राजा बनकर घूम रहा है, मुझे किसी भी तरह वापस जाकर उसको मारना है। इसीलिए मैं इस भूमि पर एक चीज की तलाश में आया हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, क्या है वो चीज? मुझे एक जादुई मणि की तलाश है जिसकी शक्तियों से मैं उस दुष्ट राक्षस बकरी को हरा सकूं। क्या तुम्हें पता है वो किधर है? मुझे वहां पर लेके चलो, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ।
ऐसा बोलते ही सोने की बकरी और गोपाल एक जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और पत्थर थे। वहां पर एक गुहा भी थी। मुझे लगता है कि यह मणि यही कहीं है। बकरी, तुम यहीं पर रुको, मैं उस गुहा में जाकर देखता हूँ। गोपाल अंदर जाते ही उसको एक बड़ा मणि एक बड़े पत्थर के ऊपर रखा हुआ दिखाई देती है। जैसे ही वो उस मणि को लेके जाने के लिए नजदीक जाता है, एक बड़ा सांप जो उसका रखवाला है वहां पर आ जाता है। कौन हो तुम? तुम्हें जिंदा नहीं रहना है क्या, जो मेरे मणि को चुरा रहे हो? नहीं सांप जी, ये मणि मैं अपनी दोस्त जादुई बकरी के लिए लेके जा रहा हूँ, जो अपनी जादुई गोटलैंड को एक दुष्ट राक्षस बकरी से बचाना चाहता है। आप मुझे ये मणि देंगे तो बकरी की दुनिया पूरा खुश रह सकता है। ये बात सुनकर सांप मणि को गोपाल के हाथ में रखता है। जब बकरी गोपाल को मणि लेके बाहर आना देखता है, तुरंत कुछ माया करता है, जिससे दोनों उस माया बकरी के दुनिया में पहुंच जाते हैं। तुरंत सोने की बकरी उस दुष्ट राक्षस बकरी के पास जाकर उस मणि से उसको मारता है। मणि की शक्तियों से दुष्ट बकरी मर जाती है और फिर से सोने की बकरी राजा बन जाता है। फिर सोने की बकरी ने, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल, जो तुमने मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हें तुम्हारी घर की जगह एक सोने की बकरी के आकार में घर इनाम में दे रहा हूँ। जाओ, जाकर भूमि पर आराम से रहना। गोपाल भूमि पर जब अपना घर आता है, वहाँ पर एक विशाल सोने की बकरी के आकार में घर देखता है और उसमें ही खुशी खुशी से रहने लगता है।